नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में राज्यसभा उपचुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा ने नामांकन कर दिया। हालांकि एनडीए की तरफ से दोनों का निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है। और आपको बता दें कि नामांकन दाखिल हुआ और उपेंद्र कुशवाहा को विवेक ठाकुर वाली सीट पर नामांकन करना पड़ा। हालांकि इस सीट पर 2 साल का कार्यकाल शेष बचा हुआ है। जबकि अगर बात मीसा भारती की सीट की करें तो वहां पे 4 साल का कार्यकाल शेष बचा हुआ है। ऐसे में सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि कहीं मुकेश सहनी वाला हाल उपेंद्र कुशवाहा का तो नहीं होने वाला। कहीं बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई खेल तो नहीं कर रही। जी हाँ, ये ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा इस तरह की तमाम सवाल उठने लगे हैं। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहीं बीजेपी कोई धोखा तो नहीं देने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सियासी गलियारों में हलचलें तेज है। राज्यसभा में कुशवाहा को 2 साल का टर्म, बल्कि अगर बात मनन मिश्रा की करें तो मनन मिश्रा को 4 साल का टर्म मिलने वाला है। क्या विधानसभा चुनाव तक बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को शांत रखना चाहती? और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के हालात मुकेश सहनी जैसे होने वाले? तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, आरएलएम प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा जी, जेडीयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, आप सभी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, आखिर इस बात की चर्चाएं क्यों तेज हो गई कि कहीं मुकेश सहनी वाला हाल उपेंद्र कुशवाहा का ना हो जाए? कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी कोई खेल तो नहीं कर रही? जी बिल्कुल सभा, जैसा कि आपने सवाल किया तो चर्चा होना स्वाभाविक है। जिस तरीके से अगर आपके पास 2 सीटें हैं और 2 ऑप्शन अगर आपके पास है और किसी को ज्यादा और किसी को कम मिलता है तो चर्चा होना स्वाभाविक है। सबको पता है कि इस बार एनडीए के खाते में राज्यसभा की 2 सीटें थी। दोनों में अंतर सिर्फ इतना था कि एक सीट के लिए जो समय बचा हुआ था वो 4 सालों का था, जो मीसा भारती के सांसद लोकसभा सांसद बनने के बाद खाली, और विवेक ठाकुर जो बीजेपी के पहले राज्यसभा के सांसद थे, अब वो लोकसभा के सांसद बन गए, उनका जो कार्यकाल बचा हुआ था वो मात्र 2 सालों का। तो अगर एनडीए कोटे से ही अगर 2 उम्मीदवार जा रहे हैं तो ये पार्टी पे डिपेंड करती है या गठबंधन पर डिपेंड करता है कि कौन सा जो कार्यकाल है वो किसको दिया जाए। अगर हमारे लिए दोनों उम्मीदवार बराबर हैं तो किसी को ज्यादा और किसी को कम क्यों? तो निश्चित रूप से अगर उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल का टर्म दिया गया है तो सवाल उठना लाजमी है और सवाल उठ भी रहे हैं। सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है कि क्या फिर से उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी कोई खेल तो नहीं कर रही है। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा खुद के लिए मतलब अपनी पार्टी के लिए कम से कम 3 सीट चाहते थे और वो आश्वस्त भी थे कि बीजेपी से उनकी बात हो गई है, कम से कम 3 सीटें तो उनको जरूर मिले, लेकिन मिला क्या? केवल 1 सीट। 1 सीट मिलने के बाद आपने देखा होगा कि कुछ दिनों के बाद वहां पवन सिंह जो है, जो भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, निर्दलीय चुनावी मैदान में आ गए। पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने के बाद ये भी चर्चा होने लगी कि कहीं बीजेपी पर्दे के पीछे खेल तो नहीं कर रही है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। जानबूझकर उपेंद्र कुश सॉरी पवन सिंह को खड़ा तो नहीं किया गया है। और बात जो बाद में सामने आई उसमें यह भी साफ हो गया कि पवन सिंह जो चुनाव लड़े थे उसमें कुछ बीजेपी के नेताओं का हाथ भी था। तो 2 चीजें अगर आपके पास आपके साथ पहले हो गई हो और ये 3री चीजें हो रही हो
तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे, चर्चाएं होगी, और जो आज बिहार के बिहार की जो सियासी गलियारे हैं उसमें इस तरीके की चर्चा हो रही है। जी चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं राम पुकार सिन्हा जी का। राम पुकार सिन्हा जी, आप लगता कि कहीं ना कहीं ना इंसाफी तो हुई है, आखिर ईसा पासी वाली सीट भी तो मिल सकती थी जिसमें 4 साल का कार्यकाल बचा है। देखिए सभा जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए पद कोई मायने नहीं रखता है, इतना मैं आपको आपके News24 चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार और देशवासियों को बताना चाहता हूं। उपेंद्र कुशवाहा जी का टाइम चाहे जितना हो उससे हमको मतलब नहीं है, मुझे मतलब यह है कि बिहार में NDA गठबंधन कितना मजबूती के साथ 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में उभरे। हमारे नेता का ये मकसद है, हमारे नेता के लिए राज्यसभा जाना या लोकसभा जाना उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वे चारों सदन का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और जहां तक मैं सौरव भाई की बात को सुन रहा था, सौरव भाई जी वरिष्ठ पत्रकार है और एनालिसिस अच्छा भी करते हैं, वाकई में सौरव भाई को जमीनी हकीकत पूरी मालूम रहती है, और जो उन्होंने एनालिसिस किया है इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता होने के नाते कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो भी समय 2 साल का मिला हो या जितना का समय मिला हो उतना मायने हमारे पार्टी के लिए और हमारे नेता के लिए मायने नहीं रखता है जितना मायने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन, खासकर NDA गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रवक्ता हमारे यहाँ बैठे हुए आदरणीय बड़े भाई कुल शर्मा जी, और हमारे गठबंधन में जनता दल यू है जिसकी प्रवक्ता बहन प्रतिमा सिंह जी बैठी हुई है, और हमारे गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसके नेता चिराग पासवान जी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है जिसके नेता आदरणीय जीताराम मांझी जी है, और हमारी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। देखिए राज्यसभा में हमारे नेता चले जाए या नहीं जाए इतना कोई माने नहीं रखता है, लेकिन बिहार की राजनीति में 2025 में NDA गठबंधन में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक ध्रुव तारा की तरह उभर कर और बिहार NDA को मजबूत करके और 2/3 बहुमत से पुनः बिहार में सरकार बनाए, ये हमारे लिए माने रखता है। हमारे नेता तो चारों सदनों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं सभा जी, चारों सदन में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, बिहार विधानसभा हो, बिहार विधान परिषद हो, सभी का प्रतिनिधित्व कर दिया आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने। तो इतना हम कह सकते हैं कि चाहे जो भी भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता को जितने टर्म में रखा हो उतना हमारे लिए मायने नहीं है। 3 सीट में हमारे नेता एक ही सीट पर चुनाव लड़े उतना हमारे लिए मायने नहीं है। हमारे नेता चुनाव लड़े, कौन आकर लड़ा, कौन फैक्टर बनाया, उतना हमारे लिए मायने नहीं है। लेकिन बिहार की धरती पर NDA गठबंधन की मजबूती के लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का होना बहुत जरूरी है, और NDA गठबंधन के सभी नेताओं ने इसको मान भी लिया है, और उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार को NDA को मजबूत करने में अपनी जी जान को जुटा देंगे, और उनके साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता बिहार के 38 जिलों में, बिहार के सभी प्रखंडों में, बिहार के सभी गांवों में, बिहार के सभी बूथ स्तर पर NDA गठबंधन कैसे मजबूत रहे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता अगर NDA गठबंधन में है तो ईमानदारी पूर्वक रहकर NDA गठबंधन की मजबूती के लिए काम करेगा। आदरणीय सभा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं सौरभ भाई, हमारा यही कहना है। चलिए ठीक है, आपको कर सीधा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं पीयूष जी। पीयूष जी, इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई खेल तो नहीं कर रही है, क्या कहना चाहिए? सभा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी NDA गठबंधन के सम्मानित और बड़े नेता है, और अभी राम पुकार जी ने जैसा कि कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पद कोई उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए पद कोई मायने नहीं रखता है, मेरा भी स्पष्ट कहना है देश की राजनीति में, बिहार ही नहीं देश की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जी का कद जो है वह पद से कहीं बड़ा है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और NDA गठबंधन के सभी नेताओं ने जो उपेंद्र कुशवाहा जी को अभी जो जिम्मेदारी देने का काम किया है, मैं आपको पूरी विश्वास के साथ बताना चाहता हूं इसमें कहीं से किसी तरह की कोई बात विमर्श की आवश्यकता नहीं है, नहीं इसे तूल देने की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी को आने वाले समय में एक बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उपेंद्र कुशवाहा जी का विश्वास है। आपने देखा होगा काराकाट के लोकसभा चुनाव जब लड़ रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री काराकाट की सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार एनडीए गठबंधन के सम्मानित नेता है और उपेंद्र कुशवाहा जी को आप जिताओ, उपेंद्र कुशवाहा जी को हम बड़ी जिम्मेदारी देंगे। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार में लोकसभा, बिहार में जो राज्यसभा की सीटें थी वह 2 सीटें थी, एक का कार्यकाल 2 साल का था, एक का कार्यकाल 4 साल का था। आखिर किसी भी एक व्यक्ति को तो 2 साल का कार्यकाल दिया जाता, और एनडीए गठबंधन ने यह निर्णय लिया कि उपेंद्र कुशवाहा जी को 2 साल का कार्यकाल दिया जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी इन 2 सालों के कार्यकाल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आपने देखा होगा, पूरा बिहार देखा है, उपेंद्र कुशवाहा जी नामांकन के बाद किस तरह से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो 2 साल और 4 साल उपेंद्र कुशवाहा जी के कोई के लिए कोई मायने नहीं रखता है, जैसा कि अभी रामपुकार सिन्हा जी ने कहा, अरे भाई रामपुकार सिन्हा जी ने कहा और मैं भी कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए पद से बड़ा कहीं कद है। तो 2 साल और 4 साल कोई मायने नहीं रखता है। जो आज लोग इस विषय पर चर्चा करने का काम कर रहे हैं वह बेतुका चर्चा है। और 2 साल 4 साल क्या है, 2 साल के बाद फिर उन्हें राज्यसभा जो खाली होगा उन्हें रिनिवल कर दिया जाएगा। एनडीए गठबंधन, आज एनडीए गठबंधन की वो सम्मानित नेता है, बिहार की धरती पर उनका मजबूत पकड़ है, वो देश देश के नेता है, भारत मोदी सरकार में उन्हें मंत्री रह चुके हैं। और बिहार के विपक्ष के नेता तो यह कहा करते थे उपेंद्र कुशवाहा जी को भारतीय जनता पार्टी हरवाने का काम कर रही है, कमल सिंह को खड़ा करने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण किया जाता था, और भारतीय जनता पार्टी तो कमल सिंह को बाहर का रास्ता निकालने का काम, पार्टी कहीं ठीक है, जनता कहीं चूक हुई, काराकाट की जनता ने चूक किया और उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हार गए। लेकिन जो आज की जो कल विपक्ष कहता था उपेंद्र कुशवाहा जी अब कहीं नहीं है, न घर के हैं न घाट के हैं, न घर के हैं न घाट के हैं, तो एनडीए गठबंधन ने उनको तो सम्मान देने का काम किया। आज वे राज्यसभा के 10 दिनों के बाद राज्यसभा के सदस्य कहे जाएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी के मैंने फिर कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए कोई पद मायने नहीं रखता है, उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदनों के सदस्य रहे हैं और आने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र। चलिए ठीक है, तब तक प्रमोद जी का रुख करते हैं, शायद कुछ टेक्निकल इशू हो गया। ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं प्रमोद जी का। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, विधानसभा चुनाव तक बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को शांत रखने की कोशिश कर रही है, आपको नहीं लगता कि बीते कुछ दिनों के को देखा जाए अगर, तो जैसे कि लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां भी जब उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे काराकाट सीट पर, बट फिर भी पवन सिंह भी मैदान में उतरे बीजेपी की तरफ से निर्दलीय, और अब 4 साल का कार्यकाल वाला भी मिल सकता था सीट पर, उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल के कार्यकाल वाला मिला, तो आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है? देखिए सवा जी, अभी सौरभ सर ने भी बहुत सारी बातों को बतलाने का काम किया, पूरा जो है लोकसभा का परिदृश्य में जो घटित घटना थी उसको एकदम सामने दिखलाने का काम किए। उसके बाद देख लीजिए रामपुकार सिन्हा जी और पीयूष शर्मा जी ने जिस प्रकार की बातों का रखने का काम किया, हमें तो रामपुकार सिन्हा जी पे लगता है कि इतना उपेक्षित करने के बाद भी इस प्रकार की बातें ये बोल रहे हैं, तो ये इनकी मर्जी है। आप देखिए कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान जो घटनाएं घटी थी और इनको एक सीट मात्र दिया गया था और इनको नजरअंदाज करने का काम किया गया था, तब इनकी नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा जी की नाराजगी सामने आई थी, फिर इनको मनाने के लिए लोग गए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग मनाने के लिए गए थे, फिर जब चुनाव हुआ और चुनाव में पवन सिंह को खड़ा किया गया, उसके बाद जब उनकी हार हुई तो हार पर उपेंद्र कुशवाहा जी के जो बयान थे वो पब्लिक डोमेन में है, सभी को पता है कि उन्होंने क्या कहने का काम किया और किस पर इसका ठिकरा उनका इशारा किस ओर था,
ये समझने की जरूरत है। आप उसी लोकसभा चुनाव की ही बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही थी, अभी पीयूष शर्मा जी कह रहे थे कि उनका कद जो है काफी बड़ा है, पद से ज्यादा बड़ा पद उनका कद है, तो उनके कद को देखते हुए जो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, उनकी पार्टी को जो सम्मान मिलना चाहिए था लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार का गठन हुआ तो अगर उनका कद इतना बड़ा था, अभी पीयूष शर्मा जी बोल रहे थे कि देश स्तर के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी मानती है, तो उनके कद के अनुसार उनको क्यों नहीं सरकार में शामिल करने का काम किया। आज जब उनको, चूंकि लोक विधानसभा का चुनाव है 2025 में, और उसको देखते हुए एक जो है झुनझुना थमाने का काम किए हैं, और उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, जैसे लगता है कि बहुत बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत बड़ा तमगा देने का काम की है, 2 साल का जो कार्यकाल है उनको देने का काम किया गया है, तो ये समझने की जरूरत है। इसी से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी समझती कुछ है और दिखलाती कुछ है। समझना इनको क्या है, लेकिन दिखला रहे हैं कि उनका कद बहुत बड़ा था। अरे ऐसे भी अगर चाहती, आपने तो मंत्रिपरिषद में उनको जगह नहीं दिया, आज जब उनको जब बातें छन करके आई, देखे कि ये नाराज हो जाएंगे, इनको अगर हम राज्यसभा में कहीं जगह नहीं देंगे तो इनको 2 साल वाला कार्यकाल दिया गया, जो छोटा रिचार्ज होता है वो देने का काम किया गया है, और उसी पर राम पुकार सिन्हा जी जो है वो काफी प्रफुल्लित है, काफी खुश है, ये समझने की बात है। सभा जी चलिए ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते प्रतिभा जी का। प्रतिभा जी, अभी अभी प्रमोद जी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को छोटा रिचार्ज देने का काम किया जा रहा है, इससे पहले मुकेश सैनी को लेकर भी चर्चा हुई थी, तब भी तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि छोटा रिचार्ज दिया जा रहा है उन्हें। शबर शाही, मुकेश सैनी के बारे में वे कहा करते थे कि उन्हें इन्होंने क्या दिया मुकेश सैनी को, अभी किसके साथ है मुकेश सहनी जी, इन्हीं के साथ है ना, इन्होंने मुकेश सहनी जी को क्या दिया। अरे भाई माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर जिस तरह से बहस हो रही है चैनलों पर, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी निश्चित रूप से उनका कद बड़ा है, और एनडीए ने उन्हें राज्यसभा सांसद जो बनाया है, जो उम्मीदवार बनाया है, कहते 2 साल 4 साल पर इनकी बहस है, 2 साल के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए तो नहीं रखता, बल्कि एनडीए के द्वारा नहीं, तो फिर 2 साल के बाद समाज, 2 साल के बाद कर्म होगा, फिर होगा, फिर रिन्यूअल होंगे। अरे भाई 2 साल के बाद क्या होगा कौन देखा है, आखिर 2 साल वाले सीट पर किन्हीं को तो जाना था ना। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े लीडर हैं, हमें तो भाइयों ने कहा, राम पुकार जी यानी पीयूष शर्मा जी ने सही कहा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए पद मायने नहीं रखता, बल्कि उनका कद भी इतना बड़ा है, ये तो बेकार की बहस है ना, और विपक्ष इनको तो राजनीति करना है, कुछ ना कुछ बोलना है, ये तो इन्हीं चीजों में विश्वास रखते हैं कि किसको किसके खिलाफ भड़का दो। लेकिन एनडीए जिस तरह से मजबूत है, एनडीए में जितने भी दल है एक परिवार की तरह एनडीए में काम करते हैं, हमारे बीच में किसी भी चीज को लेकर के कहीं कोई मतभेद नहीं होते हैं, इनको दिखता है कि किनका अपमान हो रहा है, इनका सम्मान हो रहा है। अरे भाई अगर सीट लालू जी के पास होता तो उनके परिवार से कोई नहीं जाता, आरजेडी के पिछली कथा को नहीं मिलता, इस पर ही बात नहीं करेंगे। एनडीए ने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा सांसद का उम्मीदवार बनाया, सम्मान मिला एनडीए की तरफ से, और ये अपमान की बात करते हैं, उनका कद कौन छोटा कर देगा बताइए, कितने बड़े कद के नेता उनका कद भी छोटा कर सकता है, 2 साल 4 साल का टर्म होता है, उससे किसी नेता के कद को मापा जा सकता है क्या। ये सब फालतू की बात करते हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन ये याद रखना इनके कह देने से ना जिनके वोट बैंक में बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, लोग समझते हैं इनकी मानसिकता को, इसलिए बोलते रहे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के सम्मानित नेता थे, हैं और रहेंगे,
चलिए ठीक है प्रतिभा जी, फिर आपका रुख करेंगे। जी प्रमोद जी, परेशानी आप लोगों को ही होती है, एनडीए में तो सब कुछ ठीक है, प्रतिभा जी कह रही है ऐसा। देखिए वोट बैंक की राजनीति की बात अभी प्रतिभा जी कर रही थी, तो पीक एंड चूज किस प्रकार से ये लोग करते हैं, पूरे 2-3 साल के परिदृश्य को आप उठा करके देख लीजिए, तो कैसे लोजपा को ये लोग दो फार करने का काम किए, कैसे पहले पशुपति पारस जी के ग्रुप को जो है एक अलग मान्यता दल का देने का काम किया गया और उनको मंत्री परिषद में शामिल कराया गया, और जब देखिए चुनाव की बारी आई तो चिराग पासवान जी को सीटें दी गई और पशुपति पारस जी को साइड कर दिया गया। ये लोग जो है पीक एंड चूज की राजनीति करते हैं, किनको कहां किस समय जो है यूज करना है उसकी राजनीति करते हैं। और ये विपक्ष क्यों आरोप लगाएगा, उपेंद्र कुशवाहा जी जब चुनाव हार गए थे उसके बाद जब उनके जो बयान आए जो पब्लिक डोमेन में बयान है उसको समझने की जरूरत है ना, उनके दर्द जो थे वो खुल करके सामने आया। और आप कह रही हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, वो आपके गठबंधन का हिस्सा है, अगर 2 साल और 4 साल का टर्म अगर उनके आपके पास था कि 2 राज्यसभा की सीटें हैं, 1 का 2 साल और 1 का 4 साल, तो आप अगर उनके कद को आप भारत के परिदृश्य में देख रहे हैं कि उतने बड़े कद के वो नेता हैं, आपके एक मजबूत अंग हैं, तो उनको 4 साल का क्यों नहीं दिए, यही तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, यही सौरभ जी भी बोल रहे हैं, इस पर आपको जवाब देना चाहिए ना, तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश क्या 2-4 साल लेकर हो सकती है क्या, उनके दिमाग में तो ये सब बातें आती भी नहीं होंगी, आपने उनके चेहरे पर कहीं शिकन देखी क्या, बिना बिना कोई बात आए हुए प्रतिभा जी, बिना कोई बात आए हुए अगर उनके दिल में कोई दर्द नहीं था तो लोकसभा चुनाव के उपरांत उन्होंने अपना दर्द कैसे बयान किया, अगर आपने 1 सीटें लोकसभा में देने का काम किया तो वो उनका दर्द कैसे से सामने आया, अगर उनको इस बात का कोई दर्द ही नहीं है तो इसका भी तो जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है प्रमोद जी, हमारे बड़े संवाददाता सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है, सौरभ जी। जी बिल्कुल, हम सवालों की शुरुआत जो है पीयूष वर्मा से करेंगे, कारण वो कह रहे थे कि आज जिन विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये कोई विषय ही नहीं है और इस पर चर्चा मतलब चर्चा के लायक ही विषय ही नहीं। पीयूष जी ये बताइए, अभी जो आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि निश्चित तौर पर जिस कद के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा या जितना बड़ा उनका कद है तो सम्मान भी तो उनको उसी अनुसार मिलना चाहिए, अगर आप लोग सम्मान दिए हैं तो सम्मान अच्छे से देते हैं, नहीं तो नहीं देते। अगर उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग 2 साल के लिए राज्यसभा नहीं भेजते तो भी उनका कद घट नहीं जाता, लेकिन अगर हम किसी को बुला के सम्मान दे रहे हैं तो कम से कम उस कद के अनुसार तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। मनन कुमार मिश्रा को किस आधार पर आपने 4 साल के लिए दे दिया ये भी बता दीजिए हम लोगों को। सौरभ जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर के 2019 तक केंद्र में मानव संसाधन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दे करके पूरे देश में काम करने का अवसर, इतिहास सबको पता है पीयूष जी, इतिहास सबको पता है, वो हमारे दर्शकों को भी पता है, हमें भी पता है, जो वर्तमान में हो रहा है उसकी बात कर रही बल्कि मैं वर्तमान की ही बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, और आप लोगों ने मुकेश सहनी के साथ क्या किया था, वही तो सवाल हो रहे हैं ना, आप लोगों ने मुकेश सहनी के साथ क्या किया था, उनको भी तो बीच रास्ते में छोड़ दिया था, कहां कंटिन्यू किया गया मुकेश सहनी को, तो हो सकता है 2 साल के बाद, नहीं 2 साल के बाद पीयूष जी क्या गारंटी है कि एक बार फिर से आपकी पार्टी या आपका गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा को रिन्यू करेगा। आप लोगों ने ये तो इसलिए किया है ना कि केवल विधानसभा तक चुनाव तक उपेंद्र कुशवाहा को रोका जाए ताकि वो इधर आ जाए। सौरभ जी कोई विषय नहीं है, एनडीए गठबंधन में जितने भी जो गठबंधन दल के साथी हैं वे एनडीए गठबंधन के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी कार्यों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं,
आपने देखा होगा, भी पता है आपको भी पता है पीयू जी ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं नेता है, सभी नेता को पद चाहिए, पद की लालसा होती है। आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ले लीजिए, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने जो तोड़ा है। सौरभ जी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सुन लीजिए। आज आदरणीय चिराग पासवान जी भारत सरकार में मंत्री हैं। चिराग पासवान जी को पिछले कार्यकाल में मोदी 2.0 में मंत्री नहीं बनाया गया था। उस समय चिराग पासवान को 2020 में आप लोगों ने एक नई भूमिका दी थी, नई जिम्मेदारी दी थी नीतीश कुमार को आगे की, और चिराग पासवान सफल भी हुए थे। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी का भी। अरे सर, नीतीश कुमार का बयान है, उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने मेरे खिलाफ साजिश किया था। सौरभ जी, यह भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई कार्य नहीं रहा है। और सौरभ जी ने क्या कहा, नीतीश कुमार ने जो बीजेपी पर आरोप लगाया था वो गलत था? नहीं, सौरभ जी, विशेष जिससे अंतर है उन विषयों में बता दीजिए ना। आपने चिराग पासवान की चर्चा की, हमने नहीं की, लेकिन अगर हो रही है चिराग पासवान की चर्चा, तो क्या नीतीश कुमार ने 2022 में जो बीजेपी पर आरोप लगाया था, आप बता दीजिए कि वो गलत आरोप था? नहीं, देखिए, मीडिया के समक्ष आरोप लगाना ये दूसरी बात है, और टेबल पर बैठ करके और आपस में बैठ करके बात करना। नहीं पटी भाई, एक मिनट प्रतिभा जी बता दीजिए, नीतीश कुमार ने 2022 में जो आरोप लगाया था बीजेपी पर, क्या वो आरोप सही थे या गलत था? आदरणीय लालू यादव जी ने कहा था कांग्रेस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है। अगर मेरा जो सवाल है प्रतिभा जी, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। लालू प्रसाद यादव का सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके नेता ने जो बयान दिया था वो सही था या गलत था? सौरभ जी, आप उस पर डिबेट क्यों नहीं करते हैं? आप उस पर भी डिबेट करिए ना कि लालू यादव कर लेंगे। वही तो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं ना प्रतिभा जी, सवाल का जवाब दे दीजिए ना। वो हम पर छोड़ दीजिए कि हम किस मुद्दे पर डिबेट करेंगे, वो हम पर छोड़ दीजिए। आप सवाल का नहीं, अगर चिराग पासवान की चर्चा हुई है तो बता दीजिए ना, आपके नेता 2022 में जो आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया था वो सही था या गलत था? सौरभ जी देखिए, राजनीति में इस तरह के बयानों का मुझे पता है, प्रतिभा जी, अभी आप बीजेपी के साथ हैं तो बोलने की हिम्मत नहीं है कि हमारे नेता का वो बयान सही था। इसमें हिम्मत की क्या बात है? तो कम से कम अपने अपने नेता को सही साबित कीजिए ना, बोलिए कि उन्होंने सही बोला था। राजनीति में बिल्कुल, और मीडिया के सामने बयान है जो पुराना बयान है, जो पुरानी बातें हैं उसको भूल जाएंगे? नहीं, वो आरोप की तरफ चलते रहते हैं सौरभ जी। अगर वो आरोप सही था ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आरोप सही था या गलत था? सौरभ जी, आरोप होते हैं, सही गलत प्रूफ करने वाले हम लोग चैनल पे बैठकर प्रूफ नहीं कर सकते उसको। आरोप तो नहीं होते हैं, और ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, इससे कोई भी अछूता नहीं है, कोई वंचित नहीं है। तो आज ये बताइए ना कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ गलत क्यों नहीं हुआ? क्यों कह रही हैं आप कि उनके साथ गलत नहीं हुआ? उनका जो कद था, उनको 4 साल का कम से कम कार्यकाल मिलना चाहिए था। सौरभ जी, 4 साल के बाद फिर वो सीट खाली होगी, फिर उस पर रहने होगा। आप इसको इस एंगल से क्यों देख रहे हैं? ये कौन गारंटी लेगा प्रतिभा जी, कौन गारंटी लेगा कि रिन्यूअल होगा? गारंटी तो किसी चीज की नहीं हो सकता, हम लोग सामने सामने बात कर रहे हैं, कदम ना रहे हैं। गारंटी तो जो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जितना बड़ा कद था उपेंद्र कुशवाहा का, उसके अनुसार उनको सम्मान तो मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, राम पुकार जी, जी ये बताइए, क्या आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता खुश हैं इस फैसले से कि उनको 2 साल का मिला, 4 साल का नहीं मिला? प्रतिभा जी, ये सवाल राम पुकार जी से है, उनसे बात करने दीजिए। राम पुकार जी बताइए, आपको लगता है ये सही हुआ आपके नेता के साथ? ठीक है,
वो बड़े नेता हैं, उनको पद नहीं चाहिए, उनको कोई पद की लालसा नहीं है, वो हर सदन में रह चुके हैं, ये सब कहने की बात होती है, ये आपको भी पता है मुझे भी पता। लेकिन अगर कोई बड़ा नेता को सम्मान मिला तो उसके अनुसार, उसके कद के अनुसार उनको सम्मान मिलना चाहिए। सौरभ भाई, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ और आपका जो सोच है, विचार है और देश की राजनीति पर जो आपका समीक्षा है वो तो वाकई में आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। लेकिन इतना मैं बतला देना चाहता हूँ आपके न्यूज 24 टीवी चैनल के माध्यम से पूरा देश दुनिया के लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। देखिए, जब हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा NDA गठबंधन में गई और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब मेरा गठबंधन हुआ तो उस समय ये तय था कि 3 लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी लड़ेगी और इसके बनिस्पत हमारी पार्टी तैयारी भी कर रही थी, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे नेता इतने सहनशील है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी इतने समाजवादी विचारधारा के हैं, इतने सहनशील इंसान है कि आज भी हम कह सकते हैं कि देश में लालू, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के बाद सामाजिक न्याय का कोई चेहरा जो शांत स्वभाव का है वो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। देखिए, कोई नेता अगर विनम्र है तो उसे और भी दबाया जाए। सौरभ भाई, मैं वही बात बतला रहा हूँ कि 3 सीट की बात हुई थी, उसके बावजूद भी हमारे नेता ने 1 सीट पर NDA की मजबूती के लिए देश में नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हमारे नेता ने त्याग किया और जनता दल यू भी हम लोगों के गठबंधन में आ गई। तो आदरणीय हम लोगों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ गए और ताकत हुई तो हमारे नेता ने 2 लोकसभा सीटों को त्याग करके NDA की मजबूती के लिए हमारे नेता त्याग कर दिए और कहे कि नहीं, जब पूरा परिवार बड़ा बनता है तो सबको त्याग करना पड़ता है। आज आपको नहीं लगता है रामपुकार जी कि यही डर था बीजेपी को जो सता रही थी, यही डर कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा भाग ना जाए, क्योंकि पाला बदलने में आपके नेता भी माहिर हैं, 3-3 बार उन्होंने पाला बदला है, तो हो सकता है बीजेपी को यही डर होगा कि कहीं भाग ना जाए, इसीलिए कम से कम इनको विधानसभा चुनाव तक रोका जाए। हमारे नेता ने कभी पाला नहीं बदले, हमारे नेता अगर कहीं से त्याग किए हैं तो सदन को छोड़े हैं, तो सड़क पर आकर संघर्ष किए हैं। सौरभ भाई, हमारे नेता सदन को छोड़कर सड़क पर आकर जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेकर संघर्ष किए हैं। जहां तक मैं आपको ये बतला देना चाहता हूं कि हमारे नेता के लिए, मैं पहले भी बोल चुका था, आज भी बोल रहा हूं कि सदन कोई माने नहीं रखता है, इतना माने रखता है कि NDA गठबंधन की मजबूती के लिए जितना मेरा नेता त्याग दिखा है लोकसभा चुनाव में, ठुकरा देते। रामपुकार जी 2 साल का जब उनको मिला था तो वो ठुकरा देते, वो बोलते लेकिन हम नहीं जाएंगे, लेकिन सड़क पर रख कर NDA को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन उन्होंने कर लिया। सौरभ भाई देखिए, इससे मैसेज गलत जाता, अगर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, JP नड्डा साहब का, अमित शाह जी का और आदरणीय नीतीश कुमार जी का और NDA गठबंधन के सभी नेताओं का अगर आदेश हुआ कि उपेंद्र जी को अपर हाउस में जाना है तो आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का समय क्या है क्या नहीं है। देखिए, हमारे नेता ये चाहते हैं कि मजबूत हो। नेताओं के बारे में रामपुकार जी आप कह रहे हैं कि ये गलत मैसेज आता, उनको बुरा लगता, तो आपको भी याद होगा कि हारने के बाद आपके नेता ने क्या बयान दिया था। जी, पवन सिंह फैक्टर थे या फैक्टर बनाए गए, आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। और पवन सिंह जी चुनाव लड़े, इसके बारे में आप कह रहे हैं फैक्टर बनाए गए या आप किसके बारे में बोल रहे हैं? वही ये कहीं ना कहीं आप बीजेपी के बारे में कह रहे हैं। बीजेपी देखिए, ये तो मीडिया है एनालिसिस करने लगा ना कि पवन सिंह किस फैक्टर से गए, किस फैक्टर से नहीं गए। आप बता दीजिए कि फैक्टर पवन सिंह जो बनाए गए वो किसके द्वारा बनाए गए, किस पार्टी के तरफ से, किस नेता के तरफ से? अब वो तो पवन सिंह ही बतला सकते हैं कि किसके फैक्टर से गए, किसके फैक्टर से नहीं गए, लेकिन इतना कह सकते हैं कि हमारे नेता के चुनाव प्रचार में NDA गठबंधन के सभी बड़े नेता 400 लोकसभा क्षेत्र में, 39 को छोड़िए, एक ऐसा काड़ाकाट लोकसभा क्षेत्र रहा जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री गए,
भारत के गृह मंत्री गए, भारत के रक्षा मंत्री गए, भारत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, तमाम नेता सभी गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, यहां तक नीतीश कुमार जी कितने बार वहां कैंप किए, चिराग पासवान जी गए, जीताराम मांझी जी गए, राधा मोहन सिंह जी गए, लवली आनंद जी गए। तो जीरो रहा ना रामपुकार जी, नतीजा तो जीरो रहा। अच्छा नतीजा जीरो रहा, लेकिन इतना उसी का परिणाम का फल है कि आज बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का हारना, उपेंद्र कुशवाहा का हारना एनडीए गठबंधन में नया रास्ता, नया विकल्प पाया कि 2025 के चुनाव में एनडीए गठबंधन कैसे आगे बढ़े यह दिखाना है। जी राम पुकार जी, 2020 का विधानसभा चुनाव तो आपको भी याद होगा ना जी, एक तरफ बीजेपी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में जी, और दूसरी तरफ चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे, नतीजा सबके सामने रहा। बिल्कुल। और उसके बाद जो खुलासे हुए उसके बारे में भी सबको पता है जी, कि चिराग पासवान को खड़ा करने में बीजेपी का हाथ था, ये खुद नीतीश कुमार ने कहा। तो उस समय भी तो दो चीजें एक साथ हो रही थी ना, एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मजबूती से चुनाव लड़ रही थी और दूसरी तरफ पीछे से यानी सपोर्ट कर रही थी चिराग पासवान को कि आप अकेले चुनाव मैदान में जाइए। पहले का जो दौर बीता, जो बीत गई सो बात गई, मानो वह बेहद प्यारा था, उसको हटाइए। तो भाई इतना कह सकते हैं कि 2000 देखिए पिछली गलती अगर इस बार कोई दोहराता है, चाहे कोई भी गठबंधन हो, गठबंधन हमारा एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन में हम लोग इस बार पूरी मजबूती के साथ हैं और ईमानदारी पूर्वक हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का हो, जनता दल यू का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हो, सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक 2025 के लिए काम करना है, इस मिशन में हम लोग लगे हुए और हमारे नेता स्पष्ट हमारे सभी पार्टी रहेगा तो कैसे ईमानदारी पूर्वक काम होगा। राम पुकार जी, अगर मन में दर्द है, मन में अगर टीस है, तो ईमानदारी पूर्वक काम कैसे होगा, कैसे कार्यकर्ता खुश रहेंगे, कैसे स्वतंत्र होके काम करेंगे। सौरभ भाई, अगर घर में थोड़ी मनमुटाव होती है तो घर के मालिक तमाम मनमुटावों को दूर करके एक अच्छा नया रास्ता और विकल्प ढूंढता है और एनडीए गठबंधन जो इस बार है, आप हम लोग 2024 का चुनाव लोकसभा हम लोगों ने दिखाया है देश में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर, और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हम लोगों ने त्याग तपस्या बलिदान करके एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए एनडीए गठबंधन का जो भी सहयोगी दल है सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक लगकर मिशन को फतह करना है, 2025 में पुनः बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी। चलिए पीयूष वर्मा जी, कोई खेल नहीं हुआ, बीजेपी ने कोई खेल नहीं किया उपेंद्र कुशवाहा के साथ, और पहले भी 2020 में भी आप लोगों ने नीतीश कुमार के साथ कोई खेल नहीं किया था। नहीं, हम लोग कोई खेल नहीं, राजनीति भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है और अपने गठबंधन में जितने जो घटक दल है उनके साथ बड़ी विश्वास के साथ रखते। नहीं, सबको याद है पीयूष वर्मा जी सबको जेपी नड्डा का वो बयान सबको याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ सालों के अंदर ये पार्टियां जो है उसका खात्मा हो जाएगा। जेपी नड्डा जी ने किस संदर्भ में कहने का काम किया था उसे भी समझने की आवश्यकता है। सौरभ जी आप समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा संदर्भ क्या था, ये आप बता दीजिए। अरे पूरा देश जानता है, पूरा देश जेपी नड्डा जी के बयानों को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर कहा गया था ये पूरा देश जानता है, पूरा मीडिया जगत जानता है, और उस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन में जितने भी जो घटक दल है उनके साथ पारदर्शी और बिल्कुल सही तरीके से रहती है, विश्वास के साथ रहती है। भारतीय जनता पार्टी किसी को धोखा देने का काम नहीं करती है। चलिए चलिए ठीक है, रामपुकार जी जी, रामपुकार सिन्हा जी जी जी, नहीं, जो आरजेडी के प्रवक्ता है उनसे मेरा सवाल है। अच्छा, आप सुन रहे थे बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनका कहना था भारतीय जनता पार्टी किसी को धोखा नहीं देती है, किसी के पीछे यानी पीठ पीछे जो है वो कोई साजिश नहीं करती। देखिए सौरभ जी, आपने ठीक जिक्र किया कि किस प्रकार से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
सार्वजनिक मंच से बयान देने का काम किया था, क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त हो जाना चाहिए ये बतलाने की जरूरत नहीं है। और ये संदर्भ की व्याख्या कर रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ करके, और आपके लगातार प्रश्नों के बाद भी उन्होंने ये जब बतलाया नहीं कि उनको उन्होंने किस संदर्भ में ये बातें कहने का काम किया था, कैसे कैसे एक उदाहरण हो तो बतलाने का काम किया जाए। किस प्रकार ये पिक एंड चूज की राजनीति करते हैं, वोट को वोट के लिए ये किस प्रकार से लोगों का यूज करते हैं, ये उदाहरण जो है पड़े हुए हैं। दूसरी बात है, अभी रामपुकार सिन्हा जी जो कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत सहनशील व्यक्ति हैं, इतने सहनशील व्यक्ति हैं कि उन पर बार बार प्रहार किया जाता रहा, उनकी वेदना जो है सार्वजनिक रूप से सामने आती रही, फिर भी वो दो वर्ष के टर्म को कबूल करने का काम करते हैं। आप देखिए ये आज जो बहस हो रहा है, भले पीयूष शर्मा जी इस बहस से इतफाक नहीं रखते होंगे, सौरभ जी, प्रतिभा जी भी इतफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन अंदर खाने में रामपुकार सिन्हा जी बहुत खुश होंगे कि चलिए कम से कम News 24 पर ये बहस हुआ कि क्यों उपेंद्र कुशवाहा जी को 2 साल का टर्म दिया गया और मनन मिश्रा जी को 4 साल का टर्म दिया गया। भले यहाँ पर ये बातें जो कह लें गठबंधन के बारे में, जो भी बयान दे लें कि 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बिहार के बारे में ये लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे बिहार की जनता 2025 में इनको जितलाने का काम करेगा? क्या बिहार से पलायन रुक गया, विस्थापन रुक गया? क्या बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में समय की कमी है? प्रतिभा जी के पास जाएंगे अंतिम कमेंट। प्रतिभा जी, सही हुआ उपेंद्र कुशवाहा के साथ, कुछ भी गलत आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें? सौरभ जी अगर सच पूछे तो मुझे कोई गलत हुआ उनके साथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए राजनीति और गठबंधन में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर की लोग काम करते हैं। देखिए हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, लेकिन महागठबंधन में इतने सारे, अगर हमारा NDA का गठबंधन है तो इतने सारे अलायंस पार्टियां हैं, तो सबको मिला करके चर्चा। प्रतिभा जी, सवाल तो ये है ना कि मनन कुमार मिश्रा को भी दो साल का कार्यकाल दिया जा सकता था अगर पार्टी चाहती, गठबंधन चाहता तो। इसमें क्या दिक्कत था? उनसे बड़ा कद है, मनन कुमार मिश्रा से काफी बड़ा कद है उपेंद्र कुशवाहा। सौरभ जी, हाँ पीयूष जी को जवाब देने दीजिए। जी जी सौरभ जी, जब देश के जैसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और गठबंधन के सभी दल, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, दोनों ने मिल करके NDA गठबंधन में जितने नेता है सभी ने मिल करके उपेंद्र कुशवाहा जी को यह जिम्मेदारी दी है 2 साल की और 4 साल के मनन मिश्रा को, तो आप आज यह सवाल जवाब करने का काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में। सर, अगर 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 प्रधानमंत्री या अगर नीतीश कुमार ने अगर कोई फैसला ले लिया तो ये जरूरी नहीं है कि वो सही हो। पर सरद जी, यदि 6 माह के बाद, कुछ माह के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को भारत सरकार, देश के जस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और मनन मिश्रा जी को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, मनन मिश्रा जी को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा होगी, मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, वो और अच्छी बात होगी अगर ऐसा होता है तो ये और अच्छी बात होगी, तो अभी चर्चा करेंगे सर, उस समय भी बिल्कुल चर्चा करेंगे हम। अभी प्रतिभा जी ने कहा गठबंधन धर्म में सभी दलों की जिम्मेदारी होती है, सभी नेताओं की अलग अलग भूमिका होती है, कुछ व्यवस्था होती है, और उन्हीं सब कारणों को लेकर के जिस प्रकार से देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी को सम्मान देने का काम किया गया और भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन ने प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी ने उन्हें सम्मान देने का काम किया है, उपेंद्र कुशवाहा जी को देने का काम, इसको देकर एक सम्मान देने का काम किया है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है पीयूष वर्मा जी, चलिए समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर सभा, आपने देखा कि चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो या जदयू के प्रवक्ता, दोनों यही कह रहे थे कि ये चर्चा का विषय ही नहीं और इस पर चर्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी ये चर्चा का मुद्दा नहीं है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हो भी रही है। बिहार की जो सियासी गलियारे हैं वहां चर्चा हो भी रही है कि आखिरकार अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के लिए, NDA के लिए इतना मजबूत सहयोगी है, तो उन्हें वो सम्मान क्यों नहीं मिला जिसके वो हकदार,
अगर 2 साल का टर्म था, 4 साल का टर्म था और बीजेपी के हाथ में था कि किसे कौन सा टर्म देना है, तो वो चाहती तो उपेंद्र कुशवाहा को दे सकती थी, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। बीजेपी नहीं चाहती है कि जो सम्मान के हकदार उपेंद्र कुशवाहा है उनको दिया जाए। बीजेपी के तरफ से, एनडीए के तरफ से एक लॉलीपॉप दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को, और उसके पीछे कारण केवल और केवल इतना है कि अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होना है उस समय तक, उस चुनाव तक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ है। क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का दामन छोड़ देंगे, अगर गलती से वो इंडिया गठबंधन में चले जाते, तो इससे इंडिया एनडीए को नुकसान होता, जो कि एनडीए नहीं चाहती है, बीजेपी नहीं चाहती है। इसीलिए केवल उपेंद्र कुशवाहा को रोकने के लिए उन्हें 2 साल का कार्यकाल दिया गया और राज्यसभा का जो लॉलीपॉप है वो उन्हें थमा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात उपेंद्र कुशवाहा की जाए तो इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में लगातार जारी है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को अगर बीजेपी इतने बड़े कद का नेता मानती है, हालांकि वो है भी, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल के कार्यकाल वाला ही सीट क्यों मिला, उन्हें 4 साल के कार्यकाल वाली सीट क्यों नहीं दी गई। हालांकि इसके बाद से चर्चाएं तेज है, अब क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए News24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।